से शेयर करता हूँ और एक बार फिर आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा अबाउट दी एकेडमी, अबाउट दी जर्नी ऑफ दिस एकेडमी और जो हमने कोर्स किया है और जो हम अभी कर रहे हैं और जो सब लोग हम जुड़ के एक मिशन और एक विजन के साथ कनेक्टेड है और उसको फुलफिलमेंट की तरफ हम एक और स्टेप आगे बढ़े हैं, एक और माइल हम आगे बढ़े इस आज की वेबिनार के साथ, आज के इस सब्जेक्ट के साथ एक और माइल की हमने प्राप्ति करी। आज का हमारा जो अभी मिशन और विजन इस एकेडमी का कि इस वैदिक सभ्यता को, इस वैदिक संस्कृति को, इस वैदिक कल्चर को भारतवर्ष का सबके समीप लेके जाया जाए, सबके घर घर लेके जाया जाए, सबके जीवन में उतारा जाए ताकि सबका जीवन बेहतर हो। ये एकेडमी की स्थापना गुजरे वर्ष 2021 में एक साल हो गया करीब, स्थापना ही इसी मकसद के साथ की गई थी कि तब हम सब लोगों के जीवन में जो वैदिक कल्चर से जो डिस्कनेक्ट बन रहा है हमारे जीवन में, हमारे भारतवर्ष में, हमारी संस्कृति में, हमारे आने वाली पीढ़ी में, अभी की प्रेजेंट लोगों में जो डिस्कनेक्ट है उसको डिस्कनेक्ट किया जाए और अपने जीवन को बेहतर बनाया जाए ताकि हम सब लोग एक बेहतर जीवन जी सके और आने वाले पीढ़ी, आने वाली लोग, आने वाले बच्चे भी जीवन को बेहतर कर सके क्योंकि हमारे से ही उनका जीवन डेवलपमेंट स्थापित होता है। इसी मकसद के साथ इसकी स्थापना की गई थी और इसमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखा गया था जिनमें प्रथम तौर पर यह ध्यान रखा गया था जब भी कोई सब्जेक्ट डिलीवरी होता है वो सब्जेक्ट डिलीवरी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से किया जाए, एज बेस्ट पॉसिबल दैट वी कैन डिलीवर टू यू, और उसके लिए वो सारे टीचर्स डिलीवर करें, वो सारे फैकल्टीज डिलीवर करें जिनका सब्जेक्ट के ऊपर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस है, जिनकी सब्जेक्ट के ऊपर एक पकड़ है, जिनकी सब्जेक्ट के ऊपर उन्होंने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बाई एक्सपीरियंस बाई नॉलेज एक अपनी स्थापना करी है, अपनी जगह बनाई है और अपना एक मुकाम बनाया है, उन सब्जेक्ट को उस माध्यम से डिलीवर किया जाए ना कि गूगल ज्ञान बाबर के रूप में किया जाए। तो उन सब चीजों का हम ध्यान रखते हुए इसलिए आज का वेबिनार इसी चीज को दर्शाएगा कि जो सब्जेक्ट आज डिलीवर होने वाला है उनकी पकड़ इस सब्जेक्ट के ऊपर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस है और उस प्रैक्टिस के माध्यम से वो डिलीवर कर रहे हैं और इनके अच्छे खासे एक्सपीरियंस करते हैं, 15 साल 20 साल के अनुभव के साथ सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं जिससे वो डिलीवरी कर रहे होते हैं। इसके अलावा बाय डिलीवरिंग दी सब्जेक्ट वी ऑलवेज अंडरस्टैंड इतने सब्जेक्ट पे हर व्यक्ति चाहता है कि काम करे, पकड़ बनाए, इतने सारे कोर्सेज करे, इतना सारा ज्ञान प्राप्त करे, उन सबके साथ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना कि हर लोगों के लिए फाइनेंशियली कंफर्टेबल रहना चाहिए क्योंकि करते 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 कई बार हम लोग इस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि कई बार अनकंफर्टेबिलिटी हमारे बैक ऑफ माइंड में आती है फाइनेंशियली। तो हमारी अकेडमी हमेशा इस चीज का ध्यान रखती है, ऑल सब्जेक्ट्स एंटायर अकेडमी एंटायर कोर्सेज एंटायर सब डिलीवरी विल बी फाइनेंशियली कम्फर्टेबल, सो उसके माध्यम से ये अकेडमी हमेशा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को ही आप लोगों से लेती है और उसके माध्यम से चलती है, अकेडमी भी चलती है, कोर्सेज भी चलते रहते हैं और वो हमेशा आपके आपके तरफ आते रहते हैं। इस कोर्स की भी यही बुनियाद है, इस कोर्स की भी यही तरीका है कि ये कोर्स भी सिर्फ एक बहुत ही सूक्ष्म एक नॉमिनल एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्स के साथ डिलीवरी आपके पास हो रहा जा रहा है। साथ में अकेडमी ये बिलीव करती है कि कोई भी सब्जेक्ट एक बारी में हमें नहीं आता तो उस सब्जेक्ट को मल्टीपल टाइम्स करने के लिए, रिपीट कोर्स करने के लिए एकेडमी ऑलवेज ओपन है, आप लोग उस कोर्स को मल्टीपल करें ताकि आप लोगों को सब्जेक्ट पे अच्छे से पकड़ आ सके। और एक बारी में सब्जेक्ट कोई भी पकड़ में नहीं आता, जब तक रिपीट हम वर्किंग नहीं करते तो हमारी पकड़ सब्जेक्ट पे इंक्रीज स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती है। तो यू मस्ट डू रिपीट and the repeat is always complimentary from the academy, from the faculties of academy to all our great participants, they are all warm welcome for repeat aur hum encourage karte hain repeat ke liye kyunki repeat ke bina maza nahi aata, repeat zarur kare jabki aisa bahut kam aapko dekhne mein milega ki repeat ke liye wo bhi complimentary repeat ke liye koi bhi encourage karta, hum hamesha bolte hain aap zarur repeat kare kyunki repeat ka jo maza hai usme ek aisa hota hai na jab hamare ko जब हम स्कूल में भी पढ़ते थे और जब हमारे को सब्जेक्ट आता था और उसको दोबारा पढ़ने को मिल जाता बड़ा मजा आता था कि अरे वाह ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है। तो दैट वे रिपीट ऑलवेज गिव अप एक चार्म देता है, फील देता है, वाओ दिस आई नो ओके ये ऐसे था तो इट कनेक्ट लाइक दिस, सो दिस गिव अ रिपीट वेरी गुड एक्सपीरियंस। अनदर थिंग दैट वी ऑलवेज फील दैट आपके पास कोई भी सब्जेक्ट को जब आप करें तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा कोर्सेज वैदिक शिक्षा हम जो है अपनी खुशी से ले रहे हैं, अपने पैशन से ले रहे हैं, अपनी हॉबी से ले रहे हैं, तो काम करते समय हमारे बैक ऑफ माइंड में किसी प्रकार का प्रेशर नहीं होना चाहिए कि अरे ये कोर्स खत्म हो गया तो मेरा रह गया तो क्या होगा,
अरे मेरे तो इतने एक्सपेंसेस हो चुके हैं इन प्रोसेस पे। अरे तो डिलीवरी मेरे को वीडियो नहीं मिली तो क्या होगा, मेरा छूट गया तो मुझे रिपीट पता चलेगा नहीं चलेगा, फैकल्टी मेरी हेल्प करेगी नहीं करेगी नहीं करेगी। वी वॉन्ट यू टू बी कम्फर्टेबल ऑन योर बैक ऑफ माइंड वाइल डिलीवरिंग दिस वाइल एंजॉइंग दिस सब्जेक्ट और लर्निंग दिस सब्जेक्ट, क्योंकि हम खुशी से लर्न कर रहे हैं, प्रेशर से लर्न नहीं कर रहे। अगर वो प्रेशर बिल्ड हो गया तो उसमें कोई मजा नहीं है। तो अकेडमी इस चीज का हमेशा ध्यान रखती है कि आप लोग जब भी लर्निंग करते हैं सब्जेक्ट, एक खुशी के माहौल से करें, एक एक हैप्पीनेस की तरह करें, एंजॉयमेंट की तरह करें, और इसके अंदर कभी किसी प्रकार का आप पे प्रेशर डेवलप नहीं होना चाहिए। चाहे वो सब्जेक्ट कितनी भी बार आपको करना पड़े, चाहे वो सब्जेक्ट आपको फैकल्टी के दोबारा से कनेक्ट करना पड़े, चाहे आपको कोई भी और हेल्प चाहिए, सुविधा चाहिए रिकॉर्डिंग के परस्पेक्टिव से और कैसी भी सुविधा चाहिए, सो अकेडमी इज ऑलवेज अवेलेबल टू यू फॉर दैट परस्पेक्टिव। एंड अकेडमी की हमेशा कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स हमारे पार्टिसिपेंट्स को मिले। उसके लिए अकेडमी हमेशा कोई स्कीम्स लेके आती जाती है। दूसरे क्वार्टर के अंदर जनवरी से मार्च तक के क्वार्टर में एक स्कीम थी, दोज हु टारगेटेड एनरोल कोर्स फॉर अप टू 10,000 रुपीज, जिनका सब टोटल हुआ उनको अकेडमी ने 1500 रुपीज तक के कोर्सेज के वर्थ के, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू डैम, वो लोग उस 1500 को अप्रैल के महीने में किसी भी सब्जेक्ट में यूज कर सकते हैं, बारिंग रिक्की लामाफिरा एंड संपूर्ण लाल किताब, तो वो उनके पास है। इतने सारे कोर्सेज में चूज करके वो लोग कहीं पर भी यूज कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अनदर थिंग, अकेडमी की हमेशा कोशिश आती है उन सब लोगों को प्रोत्साहन देने की, उन सब लोगों को कनेक्ट करने की जो लोग काफी सारी विद्याओं पे काम कर रहे होते हैं या डिफरेंट डिफरेंट मॉडलिटीज पे काम कर रहे होते हैं, एक लंबे समय से हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है, ज्ञान होता है उनके पास, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, बट किसी वजह से नहीं कर पाते, वंचित रह जाते हैं प्लेटफॉर्म की वजह से या किसी और वजह से। तो अकेडमी हमेशा कोशिश करती है उन सब लोगों को प्रोत्साहन देने की, उनको कनेक्ट करने की, ताकि वो अपने ज्ञान को लोगों के साथ शेयर कर सके, जग का भला कर सके, जगत का भला कर सके, सब लोगों का भला कर सके, हम सब लोग यूनिवर्स से कनेक्ट हो सके और हम सब लोगों का भला हो। इस मानसिकता के साथ, इस विचार के साथ, इस आज की हम वेबिनार को स्टार्ट करते हैं आप सब लोगों के साथ। और आज का वेबिनार जो है ओंकारा विद हलीम को जो स्टार्ट वेबिनार रहेगा, आज की जो कक्षा है ओंकारा विद हलीम की है, ये क्लास लेने जा रही हैं अंशु अग्रवाल जी, श्रीमती अंशु अग्रवाल जी, और इनके बारे में मैं इतना ही बताना चाहूँगा आपको कि इनकी मोडालिटी जो हीलिंग मोडालिटीज के ऊपर है, इनकी इतनी शानदार पकड़ है हीलिंग मोडालिटीज पे कि इनकी मतलब इनके आप भाव शक्ल बॉडी लैंग्वेज से ही झलकता है कि कितनी स्ट्रांग, कितनी डेप्थ इनके पास नॉलेज है, कितनी ग्राउंडेड पर्सनैलिटी है इनकी यंग एज में भी। इतनी यंग एज में भी जब ये डिलीवरी कर रही है तो एक बिल्कुल मतलब एक शून्य होने के बाद बैठने के बाद कोशिश करती हैं कि सब लोगों को वो चीज़ डिलीवर कर सके जो चीज़ इन्होंने अपने जीवन में हासिल करी है, एक्सपीरियंस करी है और इंटरेस्ट कम समय के अंदर हासिल किया है। तो बहुत ही अच्छा हीलिंग मॉडलिटीज पे काम करती हैं, इनकी विशेषताएँ हैं हीलिंग और साइकोलॉजी इनकी विशेषताएँ हैं। जब ये बात करती हैं, जब ये बोलती हैं, जब ये जो डिलीवरी करती हैं, तो ऐसा लगता है कि इनको अपना आराम से बैठ के अपना एक किनारे बैठिए और इनको सुनते रहो, मगन मुद्द होकर सुनते रहो, सिर्फ सुनते रहो, सिर्फ सुनते रहो। इतने अच्छे तरीके से ये डिलीवरी देती हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गेन कर रही हैं, 15-20 साल से मॉडलिटीज पे काम कर रहे हैं हीलिंग के ऊपर और हीलिंग के डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे काम करती है। इसलिए शी इज बीन द ग्रैंड मास्टर ऑफ लामाफिरा, शी इज बीन द ग्रैंड मास्टर ऑफ हीलिंग सब्जेक्ट्स एंड एक्सपर्टीज ऑन द वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सपर्टीज ऑन द हीलिंग सब्जेक्ट। तो आई रिक्वेस्ट अंशु जी टू प्लीज कम फॉरवर्ड एंड आई रिक्वेस्ट ऑल द ग्रेट पार्टिसिपेंट टू गिव अ वेरी वार्म वेलकम टू अंशु जी। अंशु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वेबिनार में, आज के इस ओंकारा विद हलीम के लिए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकाला आज के लिए हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए इस सब्जेक्ट की डिलीवरी के लिए। धन्यवाद। आई गिव ऑल ऑफ आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज अ वेरी वार्म वेलकम टू अंशु जी। अंशु जी, थैंक यू अंशु जी, थैंक यू। सो आप लोग सब रेडी हैं एक हीलिंग मोडालिटी को लर्न करने के लिए, समझने के लिए? यस मैम, ताकि आपको मेरी आवाज और क्लियर आए। यस यू आर, योर वॉइस इज वेरी क्लियर, थैंक यू। आचार्य जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो लॉर्ड बुद्धा का पिक है मेरे नाम के उधर, उसको आप होस्ट बना दें ताकि मैं अपना स्क्रीन शेयर कर सकूं। इट इज ऑल को होस्ट, यू कैन डू दैट। नहीं, बिकॉज़ ओके, थैंक यू, थैंक यू।
हाँ जी, तो आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम है, थैंक यू है यहाँ आने के लिए, क्योंकि 9:30 बजे का एक टाइम ऐसा होता है कि सब लोग रिलैक्स रहते हैं, लेकिन यहाँ मैं आप लोगों को थोड़ा स्पिरिचुअल एक जर्नी करवाना चाहती हूँ थोड़ी देर के लिए। और मुझे लगता है आप लोग सब तैयार हैं आज की इस मोडेलिटी को समझने के लिए कि हुंकारा भी तालीम है क्या, है ना। यहाँ पर इंक्विस्टिक यही है सबसे ज्यादा लोग की, हुंकारा भी तालीम क्या है। हुंकारा तो ठीक है, चलो हमें समझ आता है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आपका नाम नहीं है, गैलेक्सी लिखा हुआ है, तो आई एम सॉरी मैं आपको नहीं पहचान पा रही हूँ। एनीवेज, राजकुमारी मोदी। अच्छा जी, प्रणाम, कहाँ है वो मेरा? अपने अपने माइक्स प्लीज ऑफ करेंगे, हमने माइक किसी कंपलसरी ऑफ नहीं किए हैं, प्लीज कीप योर माइक्स ऑफ, जहाँ जरूरत पड़ेगी वहां पे ओपन करके बात करें। थैंक यू, थैंक यू। तो जैसे कि शब्द है हुंकारा, हुंकारा से आप लोग क्या समझेंगे? हुंकारा मतलब हुंकार लेना, और हलीम से क्या समझेंगे? सबको कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन जरूर है कि एक वर्ड है, अरेबिक वर्ड है हलीम, बोलने से लगता है। हाँ जी, ये एक अरेबिक वर्ड ही है हलीम। हमारे हिंदू कल्चर में, हिंदू नहीं कहूंगी, हमारे ओवरऑल कल्चर में, हमारी संस्कृति में इतने अच्छे अच्छे शब्द हैं जिन्हें हम जोड़कर एक अच्छी सुंदर एक मोडेलिटी बनाते हैं हीलिंग्स के लिए, और हुंकारा विद हलीम जो है वो वहीं से निकला है। तो चलिए, आप लोगों का ये सरप्राइज जो एक इंक्विस्टिक चीज है जो सब लोगों को बहुत इच्छा है जानने की, हुंकारा मतलब क्या, सब लोग तैयार हैं? प्लीज कुछ एंथु दिखाइए, कम ऑन। यस मैम, यस मैम, जी मैम, यस मैम, यस मैम, दिस इज द एनर्जी व्हाट आई नीड। ओके, दैट्स ग्रेट। हुंकारा कौन भरता है? हुंकारा भरती है देवी माँ, काली माता, राइट? हुंकार है वो, जब उनके अंदर से आवाज निकलती है तो वो एक हुंकार होती है। इट इज कि वो बुला रही है या समझ रही है चीजों को। इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो हुंकार है जब माँ को गुस्सा आता है, काली माता को गुस्सा आता है, तो वो जब हुंकार भरती है तो पूरी दुनिया हिल जाती है। और एक हुंकार वो है उनका जब शिवजी उनको कुछ कहते हैं और वो हूं करती हैं। कितना सुंदर मिलन है दोनों चीजों का, कि जब आप किसी चीज को आसक्त करते हैं, उसकी जिसकी आप पूजा करते हैं, जो आपके डेटी है, जो आपकी एनर्जी है, जो आपकी आदि शक्ति है, वो जब आपसे कुछ कह रही है या कह रहे हैं, तब आप उसको हाँ ही भरते हैं कि हाँ मैं आपको सुन रही हूँ। हुंकार का मतलब ही ये है ना, बहुत सुंदर बात। और हलीम, हलीम है बगला मुखी माता का, जो हम स्वर कहते हैं, अब वो है। अब ये बगला मुखी माता बहुत लोगों ने सुनी जरूर है, लेकिन इन लोगों इनके बारे में थोड़ा सा कम पता है लोगों, है ना। तो चलिए मैं अपनी शेयर करती हूँ स्क्रीन, और आपको थोड़ा सा इसमें डिटेलिंग देती हूँ। आप लोग मुझे बताइएगा, आप लोग देख पा रहे हैं जब? This is visible. Please go ahead. Okay. Thank you. Thank you. Just a second. हर चीज अपना समय लेती है काम करने के लिए। तो आप लोगों ने 10 महाविद्याओं के बारे में सुना है? आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर 10 महाविद्याएं हैं जिन्हें आप तंत्र से भी जोड़ सकते हैं, मंत्र से जोड़ सकते हैं। यही देवियां हैं, यही शक्तियां हैं जो हमारे आसपास हैं।
इसमें से माँ काली, माँ तारा, ये सीक्वेंस में है तो आप लोगों को जल्दी उनके नाम समझ आएंगे। पहले मैं थोड़ा सा इनके बारे में बताऊंगी, फिर मैं आपको हुंकारा वे तालीम का डिटेल दूंगी। तो पहली है माँ काली, फिर माँ तारा, माँ त्रिपुरा जिसे त्रिपुरा सुंदरी भी कहा जाता है, आप लोग बहुत लोग जानते होंगे, फिर माँ भुवनेश्वरी, माँ चिन्नामस्ता, माँ भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला। इनके अलग अलग नाम हैं। हुंकारा विद हलीम माँ काली और माँ बगलामुखी का ध्यान है और यहीं से ये जो एनर्जीज हैं, जो शक्ति है, वो हमें इन दो माताओं के बारे में सीख कर या उनकी जो बीज मंत्रा है उनको अपने अंदर समाकर इन सिंबल्स को बनाकर ये हीलिंग्स करनी होगी। यहाँ तक मेरे ख्याल से आप सबको क्लियर है, या अभी यहाँ पर किसी को कुछ क्वेश्चन है तो अभी पूछ लें, क्योंकि आगे फिर हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। नो वन, थैंक यू। तो हम जो दो माँ काली और माँ बगलामुखी, यहाँ आप देख सकते हैं, माँ काली को तो सभी जानते हैं, जब उनका भयंकर रूप आया था, जब वो हुंकार भर रही थी तब शिवजी वहां लेटे उन्हें शांत करने के लिए, जब उनकी जीभ बाहर आई तो वो उनका विकराल रूप था, उस वक्त भी वो हुंकार भर रही थी, गुस्से में हुंकार। लेकिन जैसे ही शिवजी के हृदय पे उनका पैर पड़ा तो उनका हुंकार जो था वो में आ गया, हल्का हो गया। तो इसको हम रिलेट करेंगे इन हीलिंग्स में। अब है माँ बगलामुखी। आप अगर इन्हें देखेंगे तो माँ बगलामुखी जो है, आप देखेंगे उनके हाथ में एक गदा है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे वो वध कर रही हैं, एक का गला पकड़ा हुआ है और एक पर बैठी हैं उन्हें मारकर। कुछ बगलामुखी माता जो है उनकी पूजा इसी तरह से की जाती है, वो पीले वस्त्र में जनरली दिखी जाती है, पीताम्बरी माँ कहा जाता है इनको। ये मैजिकल पास की माँ है, इनको बहुत सिद्धियां हैं, ठीक है। आई होप आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं। हुंकारा विद हलीम, इसको हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन मैं आपको ये और बताना चाहूंगी कि ये जो है इन दोनों माताओं का जो ये ध्यान है, जो सिद्धियां हैं, जो तंत्रास हैं, जो मंत्रास हैं, जो सिंबल्स इनके ऊपर बने हैं, वो हमारे पूज्य श्री एस के सैनी जी ने इन विद्याओं को समझा और हम तक पहुंचाया है। उन्हें अब एनलाइटमेंट मिल चुकी है, तो ये दुखद बात है हमारे लिए कि वो अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो जो हमें देकर गए हैं उसका कोई सानी नहीं है। उन्होंने इन हीलिंग्स को, जैसे लामा फेरा आप लोग सभी जानते हैं, बहुत लोग कर चुके हैं मेरे पास से, तो लामा फेरा भी डॉक्टर एस के सैनी जी ने ही इजाद किया है, उन्होंने ही वो 12 सिंबल्स हमें दिए हैं। और हुंकारा हलीम के जो सिंबल्स हैं, जो मात्र 3 सिंबल हैं और इतने पावरफुल हैं कि अगर आप उन्हें एक्सपीरियंस करेंगे तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसे ही खत्म हो जाएंगी। अभी हम आगे इनके बेनिफिट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने इन सिंबल्स को बनाया है। तो एस के सैनी जी फाउंडर हैं लामा फेरा टेक्निक्स के, जो बहुत सारे लेवल्स में हैं, लामा फेरा 1 एंड लामा फेरा 2 तो आप लोग सभी जानते हैं। हुंकारा विद हलीम को 4th नंबर दिया गया है क्योंकि इससे पहले एक और लेवल आया है, वो है योग माया। योग माया काफी सिद्धियों और सन्यासियों के तप से के द्वारा उसको पाया जाता है, इसलिए वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल है पार करना। इसीलिए हुंकारा विद हलीम जो है उसको ईजी बनाकर उसको सेपरेट रख दिया गया है। जिन लोगों ने लामा फेरा 1 और 2 नहीं किया है वो भी ये हुंकारा विद हलीम कर सकते हैं, ठीक है।
अब मैं आप लोगों को हुंकारा विद हलीम के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। हुंकारा विद हलीम जो है वो एक बहुत ही सिंपल और एक सिंबॉलिक टेक्निक है। इस मोडेलिटी के थ्रू आप जो भगवान हैं, जो गॉडेसेस हैं, माँ काली और माँ बगलामुखी, उनकी जो एनर्जीज हैं उनको इन्वोक करते हैं और उसके थ्रू इंटेंशन डालते हैं, उनकी प्रेयर करते हैं, उन्हें प्यार देते हैं, उनके सामने सरेंडर करते हैं और विद ग्रेसफुल एनर्जीज ऑफ देयर हम हीलिंग्स करते हैं। इस हीलिंग की जो यूनिकनेस है वो इस तरह से है कि जो पावरफुल हीलिंग एनर्जीज हैं हमारे चारों तरफ, उनको मंत्रास और सेक्रेट सिंबल्स में इस तरह से पिरोया गया है कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई हैं और पावर के साथ साथ वो एक अपने ही लेवल पे एक यूनिकनेस है उनमें। तो जब हम ये इनको करते हैं, जब उन सिंबल्स को जब हम यूज करते हैं तो इतनी एनर्जी जनरेट होती है कि आपको किसी ना किसी गुरु का सानिध्य है उसमें जरूर चाहिए। इस एनर्जी को हम इस तरह से ले सकते हैं कि जितने भी हम ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके डिफरेंट लेवल्स होते हैं, एनर्जी पावर्स होती हैं, एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो इन सारे एनर्जी लेवल्स को, जैसे फॉर एग्जांपल आपका चक्रास होते हैं, देन एनर्जी बॉडीज होती हैं, एनर्जी पाथवेज होते हैं जो हम स्पिरिचुअली अपने आप को कनेक्ट करते हैं, उन सबको ये ट्रांसफॉर्म करते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ योर लाइफ। इसीलिए ये कहाँ कहाँ काम करते हैं हमारे ऊपर, हमारे मेंटल लेवल पर, हमारे फिजिकल लेवल पर, हमारे इमोशनल लेवल पर, हमारे स्पिरिचुअल लेवल पर और मटीरियलिस्टिक एस्पेक्ट्स पर। मटीरियलिस्टिक एस्पेक्ट्स का मतलब हुआ आपका फाइनेंसेस देखा जाता है इसमें, रिलेशनशिप्स देखी जाती हैं, आपका करियर देखा जाता है। ओके तो ये यहाँ पर आपको इस तरह से हुंकारा विद हलीम के सिंबल्स को हम यूज करते हैं अपनी फिजिकल बॉडी पर, मेंटल बॉडी पर और इमोशनल बॉडी पर। अब मैं आपको इसके कुछ बेनिफिट्स बताऊंगी। स्क्रीन हैंग हो गया, आई एम सो सॉरी फॉर दिस। चलिए कोई बात। अब हुंकारा विद हलीम जो है वो आपके लिए क्यों जरूरी है या आपको क्या बेनिफिट्स दे सकता है ऑन डेली बेसिस आपकी डे टू डे लाइफ, तो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और मैं आपको बता भी देती हूँ। इट हेल्प्स यू टू अचीव योर टारगेट्स। सेल्स वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका फोकस और कॉन्सेंट्रेशन, बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका फोकस और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है इससे। आपके रिलेशनशिप्स में पीस और हार्मनी आता है। ये आपको हर तरह की डिजीजेस से, जहां पर आपको मेंटल स्ट्रेस ज्यादा है उससे जो डिजीजेस आती हैं उन सब से दूर कर देता है। इट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम दोज डिजीजेस। आपके बिजनेस में चाहे लीगल कोई मैटर्स हो या फिर कुछ आपके एनिमीज हैं जो आपके सामने कहते हैं ना हम कि अज्ञात शत्रु जिसे कहा जाता है, आपको नहीं पता, उन सब की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करता है, आपके ऑरा को क्लेंस करता है, आपके स्ट्रेस और एंजाइटी को हील करता है, रिमूव करता है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपकी ब्रह्म नाड़ी को एक्टिवेट करता है। मैं आपको अभी इस स्लाइड के बाद मैं ब्रह्म नाड़ी के बारे में भी आपको थोड़ा सा बताऊंगी। ये आपके थॉट्स में क्लैरिटी लाते हैं। जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो थोड़े से स्लो लर्नर्स हैं, उनका जब फोकस और आपका जब कंसंट्रेशन बढ़ता है तो ऑब्वियसली आपके जो लर्निंग पाथ्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं, आपके जो ब्लॉकेजेस हैं वो क्लियर हो जाते हैं। तो जहां पर भी मेंटल काम ज्यादा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल CAs होते हैं, बैंकर्स हैं, MBAs हैं, देन एनालिस्ट जो होते हैं जो फाइनेंस फील्ड को बिलोंग करते हैं, पॉलिटिशियंस हैं जहां बहुत ज्यादा दिमाग चलाना होता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, और जहां पर भी आपको मेंटल एबिलिटी हाई चाहिए अपनी, IAS ऑफिसर्स, उन सबको ये बहुत काम आता है। ये
जो हीलिंग मोडेलिटी है ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल को भी बहुत बढ़ा देती है. आपको पता है आप क्या कह रहे हैं, बिकॉज ये आपके चक्रास पे काम करती है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर थ्रोट चक्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके कम्युनिकेशन स्किल के लिए, तो वो उसको एक्टिवेट कर देती है. ठीक है, आप लोगों को सबको इसको समझने में आसानी हो रही है कि बेनिफिट्स क्या क्या हैं, क्यों हम हुंकारा विद हलीम करते हैं और क्यों इसकी हीलिंग्स हम करवाते हैं. सबका माइक म्यूट पे है. अच्छा, इट्स वेरी इजी एंड यू कैन गो अहेड. ओके, थैंक यू. तो अब मैं आपको, सब लोग थोड़े से एंथुसियास्ट होंगे इसमें कि ब्रह्म नाड़ी क्या है और ब्रह्म नाड़ी का इसमें क्या रोल है. हुंकारा विद हलीम तो हमें समझ आ गया कि देवी जी की आराधना है और देवी जी की जो हुंकार हैं या उनके जो बीज मंत्रास हैं उनको एक्टिवेट कर हम हीलिंग्स करते हैं. ये पार्ट तो आप लोगों को क्लियर है. ठीक है, अब मैं आपको ये बताती हूँ. आप सब लोग तो जानते हैं, बहुत लोग जानते भी होंगे कि हमारी बॉडी में जो चक्रास हैं वो 7 चक्रा होते हैं. ये बात तो सब जानते हैं, है ना. रूट चक्रा है, देन आपका स्वाधिष्ठान चक्रा है, मणिपुर चक्रा है, देन अनहाता है, विशुद्धि है, अजना है, सहस्रार है. इसको मैं इंग्लिश में भी बोल देती हूँ. रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा, देन आपका सोलर प्लेक्सस, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा. ये तो इन जनरल सबको पता है, कलर्स भी पता है, काफी लोगों को बीज मंत्रास भी पता है. वो अलग बात है कि मैं आपको कोर्स में ये सब भी कवर करवाऊ. अब इसके अलावा 2 मेन चक्रास होते हैं जिन्हें हम कहते हैं गुरु चक्रास और जिनके नाम है भ्रिकुटी और त्रिकुटी. ये भ्रिकुटी और त्रिकुटी क्या है और ये कहाँ होते हैं? अगर कोई किसी को पता है, कोई शेयर करना चाहता है तो प्लीज जरूर कीजिए, नहीं तो फिर मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में. मैंने अनम्यूट कर दिया, आप लोग अनम्यूट करके बता सकते हैं. भ्रिकुटी और त्रिकुटी के बारे में कोई जानता है? तो ये जो 2 गुरु चक्रास है ये भी आपके इस कोर्स में है, हुंकारा विद हलीम में ही आते हैं. इनको हम एक्टिवेट करके हम ब्रह्म नाड़ी को एक्टिवेट करते हैं. तो भ्रिकुटी और त्रिकुटी है कहाँ, मैं आपको इसकी प्लेसमेंट्स बताती हूँ. आप लोग मेरे कंप्यूटर के माउस को जरा ध्यान से देखेंगे. ये हमारा सहस्रार चक्र है और ये है हमारा अजना चक्र. मैं इस स्लाइड को थोड़ा सा बड़ा कर रही हूँ ताकि आप लोगों को और ज्यादा क्लैरिटी आए. क्लियर है? ये अजना चक्र और सहस्रार चक्र, मतलब थर्ड आई चक्र और क्राउन चक्र के बीच में, यहाँ पर हमारी हेयर लाइन होती है. हेयर लाइन का क्या मतलब हुआ? यहाँ पर I'm just trying to draw it, but वो आ नहीं रहा है. Maybe कुछ छोड़ दें अंशु जी, आप बताएं. हाँ जी, clear हो रहा है यहाँ से भी. तो यहाँ पर जो ये है हेयरलाइन होती है हमारी और हमारा ये जो अजना चक्र होता है इसके बीच में ये दोनों चक्रास होते हैं. एक हेयरलाइन पर होता है और एक हेयरलाइन के नीचे होता है, यहाँ पर. तो जो जो हमारा थर्ड आई है, थर्ड आई के जस्ट ऊपर होता है भ्रिकुटी और यहाँ पर जो है हेयरलाइन के जस्ट ऊपर होता है त्रिकुटी. और इन दोनों को एक्टिवेट कर आप अपनी ब्रह्म नाड़ी को एक्टिवेट करते हैं. ठीक है, क्लियर है सबको ये बात? अब ये चक्रास क्यों इंपॉर्टेंट है, इन्हें हम
एट्थ और नाइन्थ चक्रास कहा कहते हैं. दे आर कंसिडर्ड एज एट्थ एंड नाइन्थ चक्रास. जो हमारा थ्री एनर्जी चैनल्स होते हैं जिसे हम नाड़ी कहते हैं, सबको पता है ईडा पिंगला सुषुम्ना नाड़ीज जो होती हैं, वो हमारी जो नाड़ीज हैं, जैसे ईडा जो नाड़ी है उसको हम सन नाड़ी कहते हैं, सूर्य नाड़ी कहते हैं, जो पिग्डा है पिंगला है उसे हम मून नाड़ी कहते हैं, चंद्र नाड़ी कहते हैं, और जो सुषुम्ना है वो सेंट्रल चैनल है. जब हम इन तीनों को एक्टिवेट करते हैं तो वहां पर हमारी ब्रह्म नाड़ी एक्टिवेट होती है और वो यहाँ आकर थर्ड आई और क्राउन चक्र के बीच में उसका सेंटर है. तो इस तरह से हम अपनी नाड़ी को कंट्रोल करते हैं. आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा. अब आप लोग इसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं. आप लोग अनम्यूट हैं, यू कैन रेज योर हैंड एंड देन आस्क योर क्वेश्चन. इसके बाद आगे का सब्जेक्ट डिलीवर करेंगे अंशु जी. अंशु जी, इसका यूज क्या एग्जैक्टली? देखिए ब्रह्म, जैसे आप नाड़ीज बोल रहे हैं ना, नाड़ीज हमें क्या देती हैं? ब्रह्म नाड़ी हमें विजडम देती है, इनर लाइट देती है, इंट्यूशन देती है, डिवाइन गाइडेंस देती है. ये जब हमने अभी तक क्या करा है, हमने जो सेवन चक्रास सीखे हैं वो सिर्फ ऊपरी सीखे हैं. उनको आप देख सकते हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं, आपको पता है कौन से क्या काम करते हैं, लेकिन उसके अंदर भी तो काम होते हैं. वैसे तो अगर हम देखें तो हमारी पूरी बॉडी में 114 चक्रास. अब 114 चक्रास पे काम करते हैं हम. इन जनरल जो एक्यूप्रेशर एक्यूपंचर वाले हैं वो जानते हैं कि कितने चक्रास के ऊपर आपको काम करना पड़ता है. यहाँ पर जब हम एनर्जीज की बात करते हैं, जो एनर्जी पाथवे है हमारे दो तीनों नाड़ियों के, ईडा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी के जो एनर्जी पाथवेज हैं वो यहाँ पर कनेक्ट होते हैं. अभी तक हम उसको यही समझ रहे थे कि थर्ड आई तक ही होता है, हम वहीं तक काम कर रहे थे. लेकिन जब हम हुंकारा भी थलीम करते हैं और हमें जब अपनी ब्रह्म नाड़ी मतलब आपका जो अपर सेल्फ है, आपका स्पिरिचुअल लेवल है, उससे जब आपको कनेक्ट करना है तब आपको ये दोनों चक्रास को भी कनेक्ट करना पड़ता है. आई होप आई एम क्लियर इन टेलिंग यू अबाउट दीज नाड़ी. यस मैम. एनी अदर क्वेश्चन? आप हाथ रेज कर लें अपना तो ज्यादा बेटर रहेगा, जिसको भी पूछना है. नींबू गरम क्या? गुड इवनिंग मैम. ब्रह्म नाड़ी इज कुंडलिनी? नहीं जी, कुंडलिनी नीचे होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है ना हमारी, उसके एकदम नीचे यहाँ बैठी होती है. और मैं बात कर रही हूँ यहाँ ऊपर की. या बट ऊपर से नीचे से वो ऊपर आती है और यहाँ से हमारे विजुलाइजेशन होता है जी. व्हाट आई नो आई एम शेयरिंग इट. ओके, देखिए यहाँ पर विजुलाइजेशन होता है लेकिन विजडम आपको कहाँ से आएगा, इंट्यूशंस कहाँ से आएंगे? आपका जो हाँ ये यहीं से आएगा ना सब कुछ, इस एरिया से ही आएगा सारा. yes. तो यहाँ पर हम यहाँ ब्रह्म नाड़ी को हम यहाँ से एक्टिवेट करते बाय यूजिंग ऑल द थ्री नाड़ी एनर्जी पाथवेज कहते हैं. थैंक यू मैम. थैंक यू अंशु जी. आप आगे सब्जेक्ट डिलीवर कर लीजिए. सर इसमें तो मैं इतना ही बताना चाह रही हूँ, और अगर मुझे हंकारा विद हलीम के बारे में कोई कुछ पूछना चाहता है तो देन आई कैन यू नो जो भी क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर मैं ले सकती हूँ. ओके, मैं पूछूं क्या? जी हाँ जी सर. यस यस. ओके ओके, जस्ट वन क्वेश्चन मैडम. इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन बट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई एम आस्किंग. वो जो आपने बोला 10 महाविद्यास है, तो माँ काली एंड ये जो है आपने बोला बंगलामुखी माँ, हाँ जी, तो इन्हीं को अलग करके एक सब्जेक्ट कैसे बना? व्हाई नॉट अदर महाविद्यास
why only Kali in this? जी बिल्कुल बिल्कुल. देखिए माँ काली के को आप किस तरह से देखते हैं. माँ काली है नेगेटिविटी का की विनाशक. रुद्र रूप. रुद्र रूप है लेकिन रुद्र क्या करती है. गलत चीजें सहन नहीं करती है. ठीक है. और माँ बगला मुखी का भी वही कार्य है. वो भी किसी भी तरह की कोई भी गलत बात सहन नहीं करती है. वो इमिजिएटली सहार कर देती है. आप बाकी जितने भी मैंने इसलिए पिक्चर लगाया है आप लोग आप देखें उन पूरी कंप्लीट पिक्चर्स को देखिए. इसमें माँ काली का जो है वो रौद्र रूप है और माँ बगला मुखी का रौद्र रूप है. बाकी सबका सौम्य रूप है. इनको हैंडल करना सेफ है ना. बहुत सेफ है. इसीलिए मैंने आपको कहा ना डॉक्टर सैनी ने इनके जो मेन मंत्रास हैं सिर्फ उनको ही किया है और उसको सिंबल में ढाला है. ओके मैम. ओके इसलिए थैंक यू मैम. क्योंकि हम यहाँ पर तंत्रा नहीं कर रहे हैं. Yes, आप लोग yes, प्लीज इस चीज को समझ लीजिए. यहाँ कोई तंत्रा नहीं है. yes. यहाँ हम सिर्फ मंत्र उच्चारण ही करेंगे और सिंबल्स को इसके थ्रू हीलिंग्स करेंगे जैसे लामा फेरा में होता है. क्लियर मैडम. क्लियर. थैंक यू. थैंक यू. एनी अदर क्वेश्चन. हाँ जी मैम. इसकी अट्यूनमेंट होगी. हाँ जी बिल्कुल अट्यूनमेंट. ओके okay, और मैं आगे ना 20 तारीख तक बिजी हूँ बहुत. तो अब कब से स्टार्ट है. अकेडमी में आप बात कर लेंगे. वो अभी हम आपको शेयर कर देंगे सब डिटेल्स उसकी. हाँ तो आप प्लान आउट कर सकते. मैं इसीलिए सोच रही थी कि अगर अभी शुरू हो रहा है तो फिर नहीं ज्वाइन करूंगी. अगर 20 के बाद स्टार्ट हो रहा है तो फिर मैं ठीक है. मैं क्वेश्चंस इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैं आपको 2 मिनट का मेडिटेशन जरूर कराऊंगी सबको. तो प्लीज आप लोग बने रहे एंड तक ताकि आपको एनर्जीज पता चले कि एनर्जीज क्या होती हैं. बेसिकली हम किस तरह से उन्हें इन्वोक कर सकते हैं. ठीक है. और किसी को कुछ क्वेश्चन है. प्रमिला अमीन जी आप अनम्यूट करके पूछे. मैम मुझे ये पूछना है कि बगला मुखी जो देवी है वो बहुत स्ट्रांग है. तो जब हम ये कोर्स करेंगे तो ऐसा ना हो कि तंत्रा की तरफ हम और अट्रैक्ट होते जाए जो कि ना हो. ऐसा कुछ नहीं होता है. ऐसा कुछ नहीं होता है. देखिए आप माता देवी जो है आप हम खुद एक देवी ही है. हमारे अंदर शक्ति होती है चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो. कोई भी यहाँ पर पार्टिसिपेंट सीधे बैठे हैं उन सबके अंदर शक्ति है ना. शिव और शक्ति का वास सब में होता है. लेकिन हम लोग क्या करते हैं हम जहां पर यूज करना होता है वहां नहीं करते हैं. तो ये जो विद्याएं हम सीख रहे हैं जो सिंबॉलिक सीखते हैं चाहे लामा फेरा सीखें चाहे हुंकारा विद हलीम सीखें या और भी कोई इस तरह की शक्ति की मोडेलिटी है जब हम सीखते हैं तो हम क्या करते हैं हम उन शक्तियों को बैलेंस करते हैं जो हमारे अंदर कम है उसको हम बैलेंस पे लेकर आते हैं. ठीक है. तो ये जो चीजें होती हैं दीज आर टू बी बैलेंस्ड इन आवरसेल्व्स. तो इसलिए इसमें कुछ ऐसा नहीं नहीं कर जाएगी. नहीं जी बिल्कुल नहीं करेगी. बिल्कुल नहीं करेगी. और आप इन चीजों में तो चिंता ही ना करें बिल्कुल. बिकॉज हर चीज का मेंटेनेंस होता है. और इसीलिए कहा है ना अपने आप नहीं करनी चाहिए किसी ना किसी गुरु के सानिध्य में ये सब करना चाहिए. आई होप प्रमिला जी आपका आंसर दे दिया है मैंने. जी जी मैम. हेलो मैम. थैंक यू. डॉक्टर रंजना जी आप पूछे. गुड इवनिंग मैम. मैम आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि वॉट एग्जैक्टली वी सपोज टू लर्न इन हुंकारा विद हलीम. इज इट अ हीलिंग प्रोसेस. जी इट इज अ हीलिंग प्रोसेस. जैसे मैंने आपको बताया ये आपको कहाँ कहाँ पर फायदा करता है. ये बहुत फास्ट मोडेलिटी है. जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ जितनी भी सिंबॉलिक हीलिंग्स होती हैं वो बहुत ज्यादा फास्ट और बहुत जल्दी असर करती है. okay. क्योंकि वो डायरेक्ट आपकी बॉडी पे करी जाती है. ओके ओके है ना. तो इसलिए ये बहुत जल्दी आपको इफेक्ट करती है. ओके थैंक यू मैम. एक रिक्वेस्ट थी. हाँ जी कौन बोल रहे हैं प्लीज नाम बताएं क्योंकि मेरी स्क्रीन ऑन है. हेलो
Am I audible? In the meanwhile, आप सोनिया जी का हेलो क्वेश्चन लीजिए. मैम आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है. सोनिया जी बोल रहे हैं? नहीं सॉरी मैम, हाँ चैतन्य विजया शर्मा बोल रही हूँ मैम. अच्छा अच्छा बोले बोले बोले. मैम क्या आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल या कुछ बताएंगे कि यानी इनको यूज कैसे करना है? देखिये वो जो है यू क्या होता है, मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ. जब भी हम किसी सिंबल की बात करते हैं ना, हीलिंग के सिंबल्स की, तो हमेशा ये सिंबल सेक्रेटिव होते हैं. क्योंकि इनमें मंत्रास की शक्ति होती है. और एक चीज, अगर ये आप रेंडमली यूज करेंगे तो इनका गलत भी यूज किया जा सकता है. जैसे हम हर चीज का बोलते हैं पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो ये उन्हीं लोगों तक पहुंचेगी जिन तक ये पहुंचनी चाहिए और जिसको इसकी जरूरत है और जो चाहता है इसको सीख. ओके बहुत बढ़िया है ना. ये हर किसी को रेंडमली नहीं दिया जाता. ओके ओके. यानी मैम आप या माता काली माता बोलो या बगला मुखी माता चूज करेंगी है ना, कि इस सिंबल के लायक है तो ही हम इनको कनेक्ट करेंगे. आप अपने आप आ जाओगे. ओके थैंक यू मैम. आप अपने आप आ जाओगे. ये कनेक्शंस होती है. देखिए आप लोग सब यहाँ बैठे हैं, इतने सारे लोग आप क्यों बैठे? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये जानना है कि हुंकारा विद हलीम है क्या. अब आज आप लोगों को सबको पता चल गया कि ये काली माता और बगला मुखी माता की हीलिंग्स हैं, उनकी जो बीज मंत्रास हैं उनको लेकर और उनके ऊपर जो मंत्रास हैं या वो जो बोलती हैं उनके मंत्रास को लेकर कुछ सिंबल्स बनाए गए हैं और उन सिंबल्स के द्वारा आपकी हीलिंग की जाती है और आपको इन इन चीजों में फायदा होता है. है ना? अच्छा, बहुत सिंपल टेक्निक है ना, कि बिल्कुल कंप्लीट कहाँ कहाँ हम इनको यूज कर सकते हैं, किस तरह से. हाँ जी, और किस तरह से किया जाएगा, इसका अट्यूनमेंट होगा बाकायदा, इसका सिद्धिकरण भी मैं आप लोगों को खुद करवाऊंगी. क्योंकि इट इज अ कंप्लीट मोडेलिटी और बहुत सुंदर है. जब आप कर लेंगे तो आपको खुद को अपने अंदर एक अलग ही टाइप की आभा जिसे कहते हैं ना, कि आपको अंदर खुद ही एक अलग सी शक्ति महसूस होगी. ओके 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 मैम. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. हाँ जी हाँ जी बोलिए. हेलो हेलो. एक एक करके प्लीज. सोनिया जी. यस मैम. हाँ जी पूछे. हाँ जी पूछे. अच्छा मैम एक पूछना था कि वी विल बी डूइंग मोर प्रैक्टिकल थिंग्स आल्सो, लाइक यू नो टुडे किसी का थॉट पैटर्न नेगेटिव हो जाता है या व्हाट आर थिंग्स अदर कोई अदर फॉरेन पार्टिकल्स जो है, सो बिकॉज़ ऑफ दैट. हाँ, सो बिकॉज़ ऑफ दैट आपका कोई डीएनए और सब इनएक्टिव हो जाता है, सो वी विल बी एबल टू चेंज ऑल. सब निकल, इसमें से सब निकल जाता है. And how to enhance this energy to for a betterment that will be done, right, ma'am? Bilkul, bilkul. 100%. Okay, okay, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. And ma'am, when are you doing it? I would love to do it. I'm doing it. हाँ जी बिल्कुल. मैं अभी आपको हम share कर देते हैं पूरा detail इसका. हाँ जी. जब तक बाकी सबके questions हो जाएंगे ना, तो आप लोगों को और clarities आती जाएंगी. इसलिए वी विल जस्ट फिनिश अप विद द क्वेश्चंस, फिर थोड़ा सा एक मेडिटेशन करेंगे और फिर उसके बाद आपको सर बता देंगे सब हम कब से स्टार्ट कर रहे हैं और कितना क्या है. सो दैट वुड बी इजी फॉर एवरीवन. हेलो सुभाष जी. हाँ पूछिए. नमस्कार मैम. नमस्ते आत्मा. नमस्ते मैम. मैं जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, क्या ऐसा है कि जैसे बुगला मुखी जो माता है इसकी पूजा हम लोग दुश्मन विनाश के लिए भी करते हैं, तो क्या ये जो हीलिंग रहेगी इसमें ऐसा भी होता है कि जो लोग बहुत ज्यादा अपने दुश्मनों से परेशान होते हैं तो उनपे क्योंकि बगला मुखी का जो, तो जहां तक मैंने अपनी एजुकेशन में जो मैंने पढ़ा है अभी तक, उसमें मुख्य रूप से दुश्मन विनाश के लिए हम लोग बगला मुखी यूज करते हैं. जी 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 बिल्कुल सही है. तो अभी जैसे बगला मुखी यंत्र जो, क्योंकि जो सिंबल है, सिंबल जो भी है, वो सिंबल जब हम मंत्राज में यूज करते हैं, तो आई थिंक बगला मुखी का जो भी आप जो विद्या मुझे बताना अभी गुरु में बता रहे हैं, तो शायद जो दुश्मनों से परेशान है उस पे भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. सबसे आपको अलग से इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. जब आप खुद की हीलिंग कर लोगे तो अपने आप आपके दुश्मन आपसे दूर चले जाएंगे. नहीं नहीं, आई थिंक हीलिंग्स मींस जो हीलर हो ही गया, जो मेडिटेशन करते हैं, जो हीलर बन चुके हैं. हां
जो मेडिटेशन करते हैं, जिनका सत्तव तत्व जो है, सातव तत्व जो है वो जागृत हो गया, तो आई थिंक उसको उसको ये दूसरी जो ग्रह बाधाएं या जो ये चीजें होती है ये उसको परेशान नहीं करती। तो मेनली हम लोग हीलर होंगे, जो भी हीलर होगा उससे वो तो दूसरों के लिए काम करेगा ना इसपे। बिल्कुल, अपने ऊपर पहले काम करेंगे, सबसे पहले खुद पर काम करेंगे और फिर दूसरों पे काम करेंगे। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, कोई भी हीलर है, एक चीज हमेशा याद रखें, जब तक कोई सामने वाला आपके पास आता नहीं है कि मेरी हेल्प कर दो, आप खुद आगे से किसी की हेल्प नहीं करेंगे। हाँ नहीं, ये तो हमारी जितनी भी स्पिरिचुअल विद्याएं हैं वो सब हैं कि पानी की तरह, जब तक कोई पैसा मांगे ना तब तक पानी देना नहीं है। बस बिल्कुल। सामने वाला जब तक लेना नहीं चाहेगा तब तक हम उसको दे ही नहीं सकते, वो ग्रहण ही नहीं करेगा हमारी कोई भी शिक्षा। बिल्कुल। चलिए, थैंक यू मैम। थैंक यू। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है? मैम मेरा प्रमिला। हाँ जी बोले। हाँ जी प्रमिला जी बोले। त्रिकुटी और ब्रिकुटी जो चक्रास है वो एक्टिवेट होने के बाद ये करते वक्त क्या हमारे कुंडलिनी जागृत होने के चांसेस है? आप अपनी कुंडलिनी जागृत करना चाहते हो मैडम? आप बहुत इंटरेस्टेड लग रहे हो मुझे इसमें। देखिए, कुंडलिनी जागृत करने का एक अलग प्रोसेस है, उसकी एक अलग शिक्षा होती है, दीक्षा होती है, और वो आप एक तरह से जब गुरु के साथ आप बैठते हो तब उसको आप जागृत करो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, वो एक अलग लेवल है, हम उसमें नहीं जाएंगे। मैम मैं क्या इस पे दो बात कह सकता हूँ कुंडली जागरण पे? आप जी कहे सुभाष जी। जी जी, थैंक यू। देखिए मैम, जिनका भी ये सवाल था कुंडली जागरण का, तो आई थिंक कुंडली जागरण का लोगों ने यूट्यूब पे या दूसरी चीजों भी इतना प्रचार कर दिया है कि हम लोग सोचते हैं कि कुंडली जागरण से बहुत बड़ा कोई चमत्कार होगा। ठीक है, मतलब वो जादूगरी चीजें नहीं आएंगी कुंडली जागरण से। कुंडली जागरण का जो औचित्य है वो दूसरे पर्पज है, कुंडली जागरण के साधन मात्र है। आई थिंक मैं ठीक कह रहा हूँ मैडम, आप ज्यादा मुझे बता पाए। हाँ जी जी बिल्कुल, अगर आप सच में सन्यासी जैसा जीवन जीना चाहते हैं तो इन सब चीजों में डीपली जाए। हमें हम यहाँ पर सिर्फ उतना ही सिखाते हैं और उतना ही बताते हैं ताकि आपका जो जीवन है वो सरल हो सके। जी, और बिल्कुल जिनका क्वेश्चन था उनके लिए मैं एक ही शब्द कहना चाहूंगा कि भाई कुंडली जागरण में अगर आप ये सोचते हैं कि कुछ चमत्कार हो जाएगा तो वो जो भी आपको ऐसा कह रहेगा वो आपको झूठ बता रहे हैं। कुंडली जागरण के टाइम लगेगा आपको, मेडिटेशन के अलावा दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं है। बहुत लंबा मतलब इसका, ये आपके शरीर और मेडिटेशन पे डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम में जागृत करेंगे। अगर आप किसी विज्ञापन में भ्रम में आगे कहते हैं कि जी एक हफ्ते में 10 दिन में कुंडली जागरण करा लूंगी तो वो आपको बरगला रहा है। बिल्कुल, तो अब अगर आपका स्क्रीन का हो गया है, आपने सबने समझ लिया है, तो मैं स्क्रीन बंद करूंगी शेयर। हाँ हाँ पूछे क्वेश्चन, आप पूछे, मैं ये स्क्रीन शेयर बंद कर रही हूँ। मैडम आपने अभी बताया कि मान लीजिए कोई खुद जब तक ना आए डोंट टीच दिस। सपोज आई वांट टू टेक इट एज ए प्रोफेशन, आई वांट टू स्टार्ट टीचिंग पीपल वाला सब्जेक्ट। हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं, आपको उस लेवल का एडवर्टाइज तो मुझे करना ही पड़ेगा, मुझे एडवर्टाइज तो करना ही पड़ेगा। ओके ओके मैम, ओके आपको वो आपको सर्टिफिकेट ही वैसा दिया जाएगा। मैडम आप ये सिंबल दिखाएंगे क्या या आप जब नहीं सीक्रेटिव सिंबल्स हैं, मैंने आपको पहले ही कहा ये सारे सिंबल सीक्रेटिव होते हैं तो हम इसको ओपन नहीं कर सकते हैं, और ये गुरु का आदेश है तो गुरु के आदेश का उल्लंघन करना सही बात नहीं है। ठीक है ना, तो ये सिंबल नहीं दिखाए जाए। मैम बोले। हाँ जी बोले। मैम जैसे आपने बताया ये ओंकार विद हलीम फोर्थ नंबर का एक मतलब फोर्थ लेवल पे है, थर्ड पे योग माया है, तो आप मतलब बता सकती हैं मैम कि ये कितने लेवल में होता है लामा फेरा 1-2 योग माया ओंकार? देखिए ये अभी आजकल जो लामा फेरा के लेवल्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। पहले तो अभी तक सिर्फ लोगों को फर्स्ट और सेकेंड लेवल ही पता था, फिर थर्ड समझ आया, फिर फोर्थ आया, ऐसे करके अभी जो आ गए हैं वो 7th, 8th, 9th तक आ गए हैं। ठीक है, लोग उसमें कुछ कुछ चीजें ऐड करते जा रहे हैं, बट
हम सिर्फ वहीं तक चलेंगे जहां तक डॉक्टर एस के सैनी जी ने हमें बताया है, क्योंकि ये मोडेलिटी उन्हीं के द्वारा बनाई गई है। तो वो जो गुरु हैं, वो फाउंडर हैं इसके, उन्होंने इन सिंबल्स को बनाया है। जैसे लामा फेरा के अंदर मैं हमेशा बोलती हूँ 450,000 सिंबल मंत्रास की शक्ति है, उसी तरह इसमें 10 महाविद्याओं की शक्ति है, उसमें से 2 देवियों के बारे में मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर हम जब शक्ति की बात करते हैं, जब भी हम शक्तियों की बात करते हैं, तो उसको आपको जो जैसी शक्ति है उसको वैसे ही अपनाना चाहिए, उसको ज्यादा इधर उधर नहीं करना चाहिए, है ना? आई होप आई एम क्लियर अबाउट इट। एनी मोर क्वेश्चंस? मैम इसका कोई एडवांस लेवल भी होता है क्या? ये दो कंप्लीट है, ओंकारा विद हलीम जो है ये कंप्लीट लेवल है। ओके अंशु जी। हाँ जी बोले। कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? राजीव जी हाँ पूछे। देयर आर सिंबल्स इन रेखी। हाँ जी। देयर आर सिंबल्स इन रेखी, देन देयर आर 12 सिंबल्स इन लामा फेरा, एंड देन देयर आर 3 एडिशनल सिंबल्स इन ओंकारा एंड हलीम। सो व्हाई देयर आर अगेन एंड अगेन, मींस वी हैव टू लर्न more things, you know, why everything is not there, everything is there in content in one thing. Ji, bilkul. Ab aap mujhe bataiye, Reiki kisne banaya tha? Reiki ke jo symbols hain, wo kisne introduce kare the? Dr. Imasu. Haan ji. Lama Fera kisne banaya hai? Dr. S.K. Saini ne. Dek, Dr. S.K. Saini ne. Dr. S.K. Saini ne jab shuruaat kari, unhone mantras jo liye, उसकी उनकी जो शक्ति है वो उन्होंने इसमें दे दी 12 सिंबल्स, ठीक है। अब जब आप तपस्या करते जाते हो, आपको इनसाइट्स आती जाती है, ठीक है। अब आप देखोगे ओम उच्चारण के भी कई तरह की विधियां हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज की भी कई तरह की विधियां हैं, और आगे बढ़ती चली जा रही है। हर एक अलग जो गुरु है वो अपनी नई नई तकनीकें निकालता है, अपनी अलग अलग टेक्नोलॉजीज निकालते हैं हमारे बेटरमेंट के लिए, उस विद्या को और गहन, मतलब जिसको कहते हैं ना बहुत डीपली समझने के लिए। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो और भी कई चीजें आती हैं, जैसे फॉर अच्छा ये सब जो चीजें ना ये ऑलरेडी हमारे संस्कृति में है, हमारे कल्चर में है, हमारे इतिहास में है, लेकिन वो बाहर नहीं आई। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम चक्रास की भी अगर बात कर रहे हैं, नो नहीं सॉरी टू इंटरव्यू यू, आई एग्री कि दीज आर ऑल देयर, मींस द डिवाइन एनर्जी हैज क्रिएटेड ऑल दिस एनर्जीज, बट कैसा है कि अभी जैसे लामा फेरा में 12 सिंबल्स हमने अंडरस्टैंड कर लिए, हमने ये बोला कि रेखी से बहुत फास्ट है, कंपैरेटिव टू रेखी इट इज वेरी फास्ट है, देन अगेन आफ्टर लर्निंग लामा फेरा देन वी आर टोल्ड दैट नाउ देयर आर 3 मोर सिंबल्स, यू लर्न दिस ऑल्सो। You know, the journey should end somewhere. No. Spiritual journey कभी end नहीं होती। अगर वो end हो गई, इसका मतलब आपने आपकी सांसें बंद हो गई। नहीं नहीं नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि suppose I am suppose healing some drug addiction case, okay? हाँ जी। Through Lama Fera, हाँ? हाँ। Lama Fera में मैंने drug एक healing का case लिया और उसको मैंने 12 symbols से Lama Fera से heal किया। So does it mean that is incomplete? Then I have to again use 3 more symbols? बिल्कुल नहीं। हाँ, this is my doubt, real doubt, this is my real doubt। बिल्कुल ऐसा नहीं है। हाँ। देखिए, हुंकारा विद हलीम मैं आपको बता देती हूँ, इसका लामा फेरा फर्स्ट और लेवल से कोई लिंक नहीं है। हाँ। ठीक है, यही जानना चाहता था। हाँ, तो ये एक सेपरेट मोडालिटी है। तो सपोज अगर हमने ये मोडालिटी को यूज किया और लामा फेरा को नहीं यूज किया तो चलेगा? बिल्कुल चलेगा। हाँ, बस यही पूछना था कि कहाँ कौन सी चीज यूज करनी चाहिए, वो एक जाना जरूरी। हाँ जी, इट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट मोडालिटी, बट है लामा फेरा के गुरु ने ही बनाई है इसे, तो हम इनको उसी के लेवल्स में लेते हैं। और इसमें जैसे हम लोग टेस्टिमोनी बोलते हैं या चेकिंग बोलते हैं कि जैसे है ना कि ये दिस इज थरोली वैलिडेटेड जैसे होता है ना, तो ये कैसे पता चले कि ये सब सिंबल्स
ठीक है, वी बिलीव दैट दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे आर वेरी पावरफुल, दे आर वेरी डिवाइन, बट कैसे पता चले कि कोई है, जैसे अगर 1000 केसेस पे हमने इसको टेस्ट किया हो या कोई हॉस्पिटल्स में टेस्ट किया हो कि पूरा हॉस्पिटल फ्री हो गया डिजीज से, सो कैसे पता चले? देखिए उस लेवल पे आने के लिए आप खुद सोचिए, आपको पूरे हॉस्पिटल की हीलिंग करनी पड़ेगी सारे पेशेंट्स की, आपको अपने आप ही अपने अंदर से सब फर्क पड़ता है ना, और अपने आसपास जब फर्क पड़ता है तो आपको अपने आप समझ आता है कि दिस इज अ वैलिडेशन, दैट इज द वैलिडेशन. या फॉर एग्जांपल व्हेन यू कैन सेंस द एनर्जीज, मान लो के एग्जांपल हमने 10 डायबिटीज केस, एक या दो नहीं या तीन नहीं, हमने 10 डायबिटीज केसेस को लिया और 10 के 10 एकदम 100% उनका शुगर लेवल एकदम, हाँ मतलब आई एम ट्राइंग टू आस्क अ वेरी डिफरेंट क्वेश्चन. नहीं डिफरेंट नहीं है एक्चुअली, क्या है आपको वैलिडेशन चाहिए क्यों? अगर आप बिलीव करते हो तो वही एक वैलिडेशन है उस चीज के ऊपर, आपका बिलीव सिस्टम ही तब आता है किसी भी चीज पर जब आपका वैलिडेशन होता है, राइट? आपने उस चीज को या तो एक्सपीरियंस किया है या आप करना चाहते हैं तभी आप उस चीज के अंदर जाएंगे, वरना आप नहीं जाएंगे. So that is the validation what you are giving yourself. Personal experience क्या कहता है कि yes these are very powerful energies, but to explain to clients and to explain to family members or the world at large, ये कैसा हो रहा है कि they keep on asking because science keeps on asking. नहीं वो आप क्लास में आइए सर, आपको मैं सब तरीके से बताऊंगी कि किस तरह से लोगों को आपको बताना है कि ये है क्या, आपको क्लैरिटी आएगी तो आप दूसरों को बता पाएंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू राजीव जी. जी, एनी अदर पर्सन हु वांट्स टू आस्क समथिंग और शेयर समथिंग? मैडम ये कितने दिन का क्लास है ये? जी ये एक्चुअल में 5 डेज का है. ओके, तो 5 डेज जूम में होगा, कैसे होगा ये? हाँ जी जूम पे ऑनलाइन होगा. अच्छा ओके, आप सारा एक्सप्लेन करोगे कि वो? जी जी मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगी किस तरह से आपको हीलिंग करनी है. ओके. और उसके अट्यूनमेंट भी दूंगी आपको. ठीक है. मैम एक क्वेश्चन था. हाँ जी. अगर जैसे लामा फेरा में मैं जीरो, मुझे कुछ नहीं पता. हाँ जी. तो भी हाँ बिल्कुल, मुझे मैंने कहा ना ये अलग मोडेलिटी है. अच्छा, अगर अच्छा, लामा फेरा आपने नहीं भी किया है तो भी आप इसको अलग से कर सकते, कोई भी कर सकता है. प्रमिला जी ने पूछा है इसकी डेली प्रैक्टिस चाहिए. देखिए अगर आपको किसी चीज में परफेक्ट होना है तो आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी. अब वो आपके ऊपर है, आप इसको सीख कर छोड़ दें या इसको अपने जीवन में उतार लें और लोगों को आगे बताएं या सिखाएं, है ना? तो आप लोगों को और कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम थोड़ा इसके बारे में डिटेलिंग ले लें, फिर हम मेडिटेशन करेंगे. मैम एक क्वेश्चन है मेरा. हाँ जी. डिजीज के बारे में आपने बताया था ना, तो ये कौन कौन से डिजीज पे काम करती है? देखिए डिजीजेस जो भी आपके मेंटल स्ट्रेस से आती हैं, उन पे सब पे काम करती है. Can you please go through this details and schedules? हाँ सर, ये मैं इनको बता चुकी हूँ वैसे, फिर भी मैं एक बार फिर से बेनिफिट्स बता देती हूँ. अगर जो प्राणा एनर्जीज हैं, ब्रह्म नाड़ी है, देन जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं उनके ऊपर काम करती है. जो कॉर्ड्स आपसे अटैच हो जाती हैं अननेसेसरीली, अनवांटेड कॉर्ड्स जिनको हम कहते हैं ना, ये जबरदस्ती एक अट्रैक्शन हो रही है, अटैचमेंट्स हो रही है जबरदस्ती की, जो नहीं चाहिए वो भी, उनको भी ये काटता है, रिलीज करता है. आपके ब्रेन सेल्स को, मेमोरी कैपेसिटी को बढ़ाता है, देन आपके फोकस और कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाता है, आपके थॉट्स को क्लैरिटी देता है, आपके रिलेशनशिप में पीस और हार्मनी लाता है, और स्ट्रेस और एंजाइटी रिमूव करता है. आपके जो गोल्स हैं उनको मैनिफेस्ट करके आपके जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करवाते हैं. आपके एनिमीज को काम डाउन करते हैं. आपको थोड़े दिनों में लगेगा अरे आप तो, आपके पास तो कोई दुश्मन ही नहीं बचा है. ऐसा हो जाए तो फिर कितनी अच्छी लाइफ हो जाए ना हम सबकी, राइट? मैडम एक पॉइंट है जो आपने लिखा है, जैसे यूजफुल फॉर स्लो लर्नर. हाँ जी. है ना, ये मेनली आता है बच्चों के लिए जहाँ पढ़ाई में कमजोर है, वो किसी चीज में इंटरेस्ट है, जैसे पढ़ाई हो या कोई स्पोर्ट्स थिंग्स हो, कुछ भी हो. हाँ जी. कुछ बच्चे होते हैं जो उसमें विलिंगनेस नहीं होता, उसी तरह से ये फिर आफ्टर सम एज आल्सो ये दिस इशू कम्स कि वो लर्निंग में ना तो इंटरेस्ट है ना कुछ है,
तो ऐसे में ये कैसे हेल्पफुल है? देखिए वहां पर आपने एक पॉइंट और देखा होगा, सेवेंथ पॉइंट है इंक्रीजेस फोकस एंड कंसंट्रेशन, ठीक है। और उसके पहले जो सिक्स्थ पॉइंट है वो है ह्यूमन ब्रेन सेल्स और मेमोरी। ये ह्यूमन मैंने आपको बताया इसमें पहले भी एक बार एक स्लाइड में मैंने आप लोगों को शेयर किया था कि ये जो है ये आपके जितने भी एनर्जी चैनल्स है उनको क्लीन आउट करता है, वहां पर क्लैरिटी देता है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, कॉन्सेंट्रेशन, फोकस और ह्यूमन ब्रेन सेल्स पे काम करता है। तो वहां आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आई होप आई हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स। आपके मेंटल एबिलिटीज को बढ़ती है। हाँ जी मैम, ये जो आप बता रही हैं सब चीजें, ये हम जब अपने लिए खूब अच्छे से करके प्रैक्टिस कर लेंगे तो हम दूसरों के लिए भी कर सकते हैं फिर? बिल्कुल आप कर सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। ओके मैम, तो आप लोग ने यहाँ देख लिया कि कौन कौन इसको सीख सकते हैं और कौन किन किन लोगों के ऊपर आप ये प्रैक्टिस भी हो सकती है इनकी। तो बेसिकली जो स्टूडेंट्स हैं वो खुद भी सीख सकते हैं, लेकिन वो है तो हम 12 और 15 साल के आसपास के बच्चों को ही इसको सिखाते हैं। पेरेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है ताकि वो अपने बच्चों को सही रास्ता दिखा सके। जितने भी CA MBA जहाँ पर आपको मेंटल वर्क ज्यादा है उन सबको आप वो लोग सब इसको आप सीख सकते हैं या आप उनकी हीलिंग्स कर सकते हैं। और इसमें ही दोनों लेवल्स हैं, जो हीलर हैं वो भी और टीचर भी। आप इसको सीखने के बाद आप इस मोडेलिटी को दूसरों को सिखा भी सकते हैं। तो हम अटेनमेंट हम आपको सिखाएंगे, हम अटेनमेंट दे पाएंगे? बिल्कुल, मैं आपको सिखाऊंगी कैसे करना है, आपको सारे नोट्स मिलेंगे उसके। ओके इवन मैम यू विल टीच हाउ टू अटेन अदर आल्सो? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इट इज अ कंप्लीट मोडेलिटी। तो अगर मैं आपको बोल रही हूँ हीलर और टीचर लेवल दोनों इसके अंदर हैं, तो ऑब्वियसली मैं आपको टीचिंग करना भी बताऊंगी कि किस तरह से आप टीच कर सकते हैं, है ना मैम? ये कल से ही स्टार्ट है क्या? हाँ जी, आज हमारा वेबिनार हमने इसलिए दिया था ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हो सके कि ये चीज है। और अटेनमेंट कब की है मैडम? पहले कोर्स तो सीख लीजिए, अटेनमेंट भी आपको दे दी जाएगी। और मैं पूछ रही हूँ मैं कि मैं अगर मैं नहीं ज्वाइन कर रही हूँ बाय चांस तो मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी ना, मतलब उस दिन नहीं हूँ बाय चांस क्लास में मैं? कोई बात नहीं, आपके पास नोट्स आएंगे, आपके पास पूरा रिकॉर्डिंग रहेगा क्लास का। आप अगर नहीं भी उस दिन प्रैक्टिकली ज्वाइन कर पाए तो आप उसकी रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं, उससे वहां से सीख सकते हैं। और हम लोग आपके लिए अवेलेबल रहते हैं, आपको कुछ भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, PDF नोट्स मिलेंगे। मैडम इज इट स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे? स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो सर, टुमारो कल 17 तारीख संडे से। अच्छा कल से, ओके ओके ओके। मैं आपको इसका डिटेल बता देती हूँ, इसका जो है इट इज जस्ट 1579 रुपीज ओनली। सर आपको डिटेल्स दे रहे हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सब इक्वल टू। और ये जूम पे रहेगा, इंटरैक्टिव सेशंस रहेंगे, आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, इसकी नोट्स मिलेंगे, लाइफ टाइम के लिए आपके पास रिकॉर्डिंग्स रहेंगी ऐप के ऊपर। और अगर आप इस कोर्स को दोबारा रिपीट करना चाहते हैं वो आपके लिए टोटली कॉस्ट फ्री है, उसके हम दोबारा आपसे चार्ज नहीं करेंगे। इसका मतलब मैडम ये सपोज कीजिए फीस तो पे कर दिया लेकिन ड्यू टू सम रीजन अगर क्लास अटेंड नहीं कर पाए, आपका जो भी नेक्स्ट क्लास होगा उसको अटेंड कर, आप अटेंड कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि आपके पास रिकॉर्डिंग्स रहेंगी, अगर आप नहीं भी अटेंड कर पाए तो आप रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं। क्योंकि उसमें कंप्लीट पूरी क्लास का रिकॉर्डिंग रहेगा, जो सिखाया गया वो सब कुछ होगा। तो मैडम जो सिंबल्स वगैरह उसके कोई PDF वगैरह भी मिलेगा या कैसे होगा? हाँ वो पूरा मिलेगा। ठीक है। और स्पेशली मैं भी एक क्या कहते हैं मैंने रेकी सीखा हुआ है और मैं लामा फेरा भी फर्स्ट लेवल सीखा हुआ है। मैं
कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ अपने आप को उस चीज के साथ। वो हीलिंग जो होनी होती है जो एक्चुअल में, उसको मैं कई बार मैं फील नहीं करता हूँ, ना ही सिंबल्स को ना ही उस हीलिंग पावर को, क्योंकि हर बार ये आता है पावरफुल 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 वो, लेकिन वो समहाउ, हालांकि मैं जब किसी को मैं हील करता हूँ, खासतौर पर मैंने फैमिली मेंबर को रखे तो उनको फायदा मिलता है, अपने ऊपर जब मैं करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे उसका बेनिफिट उतना नहीं मिलता जितना मैं सोचता हूँ। तो प्लस अभी जितनी भी जैसे नवरात्रि वगैरह होती है, वैसे कहते हैं इन सब चीज़ों को डिस्कस नहीं करना चाहिए, नवरात्रि हो कुछ भी हो या कोई जनरल पूजा पाठ है, उधर भी मैं कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, चाहे वो माँ के जो नौ रूप हैं या भगवान शिव में कोई भी है, जब मैं ऐसा कुछ बैठ के वो करता हूँ तो उसमें एक रेगुलरिटी नहीं आती, और वो प्लस उस टाइप का एक वो सिंसियरिटी, वो क्या कहते हैं अटैचमेंट। जी मैं आपकी बात समझ गई, तो वो क्या उस चीज को कुछ एनहांसमेंट हो सकता है उसमें, कुछ हेल्प। जी 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 मैं आपको बता उसको भी एक्सप्लेन करती हूँ, जरा सा हम जो स्लाइड है उसको एक मिनट के लिए देख ले, फिर मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करूँ। हाँ जी, इज इट ओके? हाँ जी। तो अभी आप लोग जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं आप इस नंबर पर पेटीएम कर सकते हैं, यूपीआई भी कर सकते हैं, आपके सामने अकाउंट डिटेल्स हैं सारी, और नंबर है 9873521312, आप इसके ऊपर पेमेंट कर सकते हैं, जी पे पेटीएम वॉट एवर यू फील लाइक कंफर्टेबल। ये मैडम आप व्हाट्सएप कर दोगे? हाँ जी आचार्य जी, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नहीं अभी वो मेरे को स्क्रीनशॉट वगैरह लेना नहीं आता, आप इसको प्लीज व्हाट्सएप में भेज दीजिए। आप व्हाट्सएप पे हमारे किसी ग्रुप पे हैं ऑलरेडी? नहीं दरअसल आपका ना कोई कॉमन सा कोई चल रहा है जो मतलब, मैं आपको एक लिंक दे रहा हूं आपका जो, एक मिनट मैं आपका नंबर नोट कर लेता हूं, आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है? मैं यहां पे नंबर लिख रहा हूं, आप इस पे आप डिटेल डाल दीजिए, आपको डिटेल मिल जाएगी। इट्स 9999119519, जिसको भी कोऑर्डिनेट करना है, जिसको भी कोई क्वेश्चंस है आप इस नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ, 9999119519, आप लोग इस नंबर को नोट कर लीजिए। एक चैट पे लिंक ड्रॉप कर रहे हैं, जो लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे नहीं है, हमारे किसी भी ग्रुप पे नहीं है, प्लीज ज्वाइन द चैट, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उसपे सारी डिटेल्स आ जाएंगे, आपके पास लिंक आ जाएगा 2 मिनट में। ठीक है, आपके इसी नंबर पे? इस नंबर पे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक सर, अभी चैट के ऊपर आप लिंक भेज सकते हैं सर प्लीज। मैं अभी लिंक दे रहा हूं, अभी नीचे एक लिंक आएगा, आप लोग उसको क्लिक करके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको सारी डिटेलिंग दी जाएगी। तो हम सर मैं आपकी, हाँ जी ये आ गया है, आप इसको क्लिक करें और इमीडिएटली यू कैन ज्वाइन द ग्रुप। अंशु जी यू कैन प्रोसीड विद द विद योर रेस्ट ऑफ द कंटेंट्स एंड जो डिटेल्स थी वो हमने शो कर दी आपको, इन डिटेल्स को आप मैं एक बार क्विकली रिवाइज कर देता हूँ। इस डे इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल आवर पार्टिसिपेंट, द जर्नी विल बी ऑफ 5 days starting from tomorrow, Sunday से Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, and आज ही webinar की class की हमने extra class करी है, and the last class will be after the gap of 2 days, ताकि आप सब लोग convenient रहे और easy रहे, it's not back to back 5 days, तो आप रुक के एक दिन Friday को last class close कर देंगे, and the journey will be from 9:30 PM to 11 PM in the night, 5 दिन की journey रहेगी, usual costing इसकी normally 31,000 plus आती है, which we are academy का जैसे rule है, और एकेडमी कोशिश करती है कि वैल्यू एडिशंस करे हर चीज में, और इसलिए 1579 है। जूम इंटरेक्शन सेशन आएंगे, रिकॉर्डिंग रहेगी लाइफ टाइम के लिए, रिपीट कोर्सेज एब्सोल्युटली फ्री रहेगा आप सबके पास, नोट्स मिलेंगे, नोट्स भी आपके पास लाइफ टाइम फ्री रहेंगे, और वो अगर आपके मिसप्लेस भी हो गए नोट्स तो अकेडमी का अपना जो सिस्टम है उसके ऊपर लाइफ टाइम रहेंगे, वहां से दोबारा से डाउनलोड कर सकेंगे। पोस्ट डिटेल आपको अंशु जी ने शेयर कर दी है ऑलरेडी, पोस्ट डिटेल एनीबडी कैन डू, anybody can take the benefit of the modality in their life, chahe bacche ho, bade ho, bujurg ho, kisi bhi field mein ho, kisi bhi subject se related ho, kisi bhi activities ke andar ho, har vyakti chahe wo parents ho, chahe housewives ho, chahe wo working professionals ho, everybody can take the benefit of this, and healer teacher dono level pe ye modality ko use kiya sakta hai, aur iski detail ye iski detail aayegi, ye detail hai iski, आप लोग इसको क्लिक कर सकते हैं और इस नंबर पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। साथ में कल से एक क्लास शुरू हो जाएगी, दोज़ हु एनरोल टिल टुमारो
दे विल बी पार्ट ऑफ द जर्नी फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स. जो लोगों का एनरोलमेंट आ जाता है कल तक, और कल से क्लोज क्लास भाई रहेगी 9:30 से रहेगी. सोनिया जी आप पूछिए, फिर मैं और सर का भी आंसर कर देती हूँ. विजय सर का. सोनिया जी आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? आई थिंक वो भूल गए. अटूनमेंट दी जाएगी. अटूनमेंट विल बी एनी वन डे. यस, अटूनमेंट के लिए शेड्यूल बना के आपके साथ शेयर करके देन शी विल डू द अटूनमेंट विद यू. जो लोग जितने भी क्लोज पार्टिसिपेंट्स होंगे उनके साथ साथ अंशु जी शेड्यूल के अकॉर्डिंगली अटूनमेंट करेंगे. माधवी शर्मा जी आपका क्वेश्चन बोलो. सो राजीव जी बोलिए. हेलो हेलो राजीव सर, आई वांट टू टेल द ग्रुप मेंबर्स whoever have attended today's webinar that it's a very expensive course in market. It is very expensive. I have tried to explore. It is very expensive in market. It is very cheap here. So I think people should take advantage of it. You are absolutely right. Sushma ji, you are bilkul theek bol rahe ho. Ye bahut expensive courses hai jo platform pe courses chal rahe hain. These are really very expensive in the market. But with the gateness of faculty, academy ki koshish aati hai ki inke expenses bare minimum ho, sirf administrative cost ho. Not only Omkara with Haleem, abhi is time pe jo baki courses chal rahe hain, be it a Grand Angels course or be it a past life regression course, these are really very expensive courses in the market. And Akashic records abhi aane wala hai, and lot of other modalities is coming in near future. Believe us, शिशवेश जी ने जो बोला है बिल्कुल ठीक बोला है. इट कॉस्ट अ लॉट और एकेडमी की पूरी कोशिश रहती है. इट कॉस्ट नथिंग टू यू, राइट? सो यू मे प्लीज क्वेश्चन. सतीश जी आपका जो क्वेश्चन था उसका मैं आपको एक आंसर देती हूँ. क्यों ये आप जो बोल रहे हैं ना कि आप कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, बिकॉज आप अपने आप को मीडियम नहीं बना पाते. तो वो आपको हम सिखाते हैं कि अपने आप को मीडियम कैसे बनाना है. ओके, आपको एक कैटलिस्ट बनके हमेशा हीलिंग करनी चाहिए. ओके, है ना? वो हम आपको सिखाते हैं किस तरह से करना है. और तीन और हाथ रेज हो गए हैं तो सर वो आप माधवी जी का प्रश्न लीजिए थोड़ा जल्दी. माधवी जी, हाँ जी बोले. हाँ जी मैम, राधे राधे. राधे राधे. मेडिटेशन है और जो आना पाना जो सांसों का दिखाते हैं और जो आप सिखा रहे हैं, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं. एक मिनट फिर से आपको बोलना पड़ेगा, मैं थोड़ा समझ नहीं पाई आप क्या पूछ रहे हैं. जैसे वो जो सांस को अंदर लेना बाहर लेना, मतलब उस पे ध्यान करना, सांस पे ध्यान करना, ब्रीदिंग ब्रीदिंग. हाँ, एक चक्र हीलिंग और एक हाँ, आप बता दो ये सब अलग अलग है. ये सब इस कोर्स के अंदर आएंगे. नहीं, ये सब इसी के जुड़े हुए है या सब अलग अलग चीजें? देखिए, आप किसी भी हीलिंग मोडालिटी को सीखो या आप किसी मेंटल हीलिंग को सीखो या आप कोई भी ऑकल्ट साइंसेस की हीलिंग को सीखो या उससे रिलेटेड कुछ भी करो, तो ब्रीदिंग जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है. ब्रीदिंग हर चीज में आती है और आपके चक्रास का ऑरा चक्रा क्लीनिंग भी हर चीज में होता है. ठीक है, किसी भी मोडालिटी को आप करेंगे तो ये दो तीन चीजें तो फिक्स है, ये सब में आती. नम्रता जी आपका प्रश्न बोले. नम्रता जी आपका प्रश्न बोले. हाँ जी सर, मैं ये पूछ रही हूँ, मैं असल में बार बार मैं एक ही क्वेश्चन इसलिए पूछ रही हूँ कि मैं जरूर करना चाह रही हूँ ये, बट मेरे घर में गेस्ट हैं और मैं अगर अट्यूनमेंट वाले दिन मौजूद नहीं रही. आप अट्यूनमेंट वाले टाइम पे आप संपर्क कर लेना अंशु जी से. शी विल सपोर्ट यू. हाँ देखिए, अट्यूनमेंट की आपको स्ट्रेस नहीं लेना है. जिसका भी है वो मेरी ड्यूटी है आपका अट्यूनमेंट देना. जब मैं आपको सिखा रही हूँ कोई चीज तो मैं आपको कम्प्लीटली सिखाऊंगी. मैं किसी को लीव नहीं करती हूँ. जैसे अभी एक है जिन्होंने आज मुझे बताया उनका एक अट्यूनमेंट नहीं हुआ है, तो उनका कल शेड्यूल कर रहे हैं हम. नवदीप जी कल आपका शेड्यूल्ड है, बात करेंगे हम बाद में. ओके मैम, बस मैं यही मेरी प्रॉब्लम थी क्योंकि मैं बाकी सब चीजें तो मुझे उससे मिल जाएंगी, अट्यूनमेंट नहीं मिल पाएगी, इसीलिए मैं बार बार आपको आपको ये सब स्ट्रेस नहीं लेना है. देखिए, जब भी आप कभी किसी गुरु या किसी टीचर के पास सीखने जाते हैं तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, वो गुरु की ड्यूटी है कि उसके स्टूडेंट को सब चीजें मिले. ठीक है, थैंक यू मैम.
मैडम जैसे आपने कहा कि मुझे एक मीडिया बनना चाहिए, कैटलिस्ट बनना चाहिए, तो क्या इसमें भी आप कुछ हेल्प करोगे ये 5 दिन? हाँ जी, मैं आपको सब बताऊंगी, सब डिटेलिंग आएगा इसमें, आप चिंता ना करें। Okay, आप इसके ऊपर मैं आप लोगों को सबको एक चीज और बोलूंगी, यहाँ पर मेरे ऑलरेडी लामा फेरा के स्टूडेंट्स हैं सर, अगर आपकी परमिशन है और अगर please, वो कुछ शेयर कर सके तो इट वुड बी नाइस, क्योंकि काफी आंसर्स उनको वहीं से मिल जाएंगे। एनी ऑफ माय पार्टिसिपेंट्स ऑफ लामा फेरा, कार्तिक जी बैठे हैं, नवदीप जी बैठे हैं, ऋतु जी हैं, पार्टिसिपेंट्स आते हैं, तो आप में से अगर कोई कुछ शेयर करना चाहता है तो ये क्वेरीज शांत हो जाएंगी। रुनाज जी है, हाँ जी बोले, क्वेरीज है और मैम बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल शांत हो जाएंगी एंड वी आर रियली रियली ग्रेट। आवाज बड़ी कम आ रही है, किसी कोई बोल रहा है? रिंकी जी आप थोड़ा जी बोल रहे हैं, रिंकी थोड़ा सा लाउड बोले आप, सर आप उनको स्पॉटलाइट पे देंगे, क्लियर आ रही है? हाँ जी अभी ठीक है। हाँ मैं कह रही थी आपकी सारी क्वेरीज जो भी जिनका भी क्वेश्चन है दूर हो जाएंगी बिल्कुल, और हमने तो मैंने तो लामा फेरा पहले 30,000 पे करके सीखा था, मैंने दोबारा अंशु मैम से सीखा है, इतना फीस लेके भी लोग इतना पेंस लेके नहीं सिखाते हैं जितना अंशु मैम इतने अच्छे से पढ़ाती हैं कि आपको कहीं कोई डाउट नहीं रह जाएगा। आई एम रियली ग्रेटफुल टू द एकेडमी राजीव सर एंड ऑल द टीचर्स, बहुत पेंस लेके यहाँ पे टीचर्स सिखाते हैं पूरा डेडिकेशन के साथ, तो आपको बिल्कुल भी डाउट करने की जरूरत नहीं है। हम जितने भी हैं एकेडमी से जुड़े हुए, वी ऑल आर वेरी वेरी मच ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू रिंकी जी, थैंक यू आपको भी। तुषार जी, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ राजेश सर आपका और अंशु मैम का कि मैं आपसे ये लामा फेरा सीख सका हूँ, क्योंकि मैंने भी बाहर लामा फेरा सीखने का प्रयास किया था, लेकिन जो हृदय में जो शांति थी ना वो नहीं मिल सके, लेकिन मैंने अंशु मैम से जो सीखा है और उन्होंने जो हर एक क्वेश्चन का उन्होंने जवाब दिया है, ऐसा नहीं है कि और क्वेश्चन बताते जाओ बताते जाओ ढूंढो ढूंढो, ऐसे यानी खुद ही बताते रहते थे कि आप क्वेश्चन ढूंढो और मैं उनका जवाब दे रही हूँ, यानी हर सवाल का उन्होंने जवाब दिया है, और कभी भी फोन करूँ तो वो अवेलेबल रहती है, ऐसा वो रोज सुबह मेडिटेशन में भी अवेलेबल रहती है हमारे लिए, तो थैंक यू अंशु जी, थैंक यू राजू सर, थैंक यू पूनम मैम कि आपने इतना अच्छा एकेडमी सेवा इतने अच्छे टीचर दिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू तुषार जी, थैंक यू, थैंक यू। राइट अंशु जी, यू मे प्लीज प्रोसीड विद द रेस्ट ऑफ दिस कोर्स। जी 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 बिल्कुल, तो एक थोड़ा सा एक मेडिटेशन हम करेंगे 2 मिनट का, ताकि आपको थोड़ी सी एनर्जीज के बारे में थोड़ा महसूस होना चाहिए। Please go ahead. जी. तो मेडिटेशन का पहला रूल है सर, एक कोर्स का हम उनको मैं आपका नाम नहीं पढ़ पाई सॉरी, आप लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, आपको व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर सारे कोर्स की डिटेल आ जाएगी। तो आप लोग सब आंखें बंद करेंगे, पहला रूल आईज क्लोज, कंधों को पीछे की तरफ खींचिए तो आपकी स्पाइन अपने आप सीधी हो जाती है, ठीक है? लंबी गहरी सांसें लेंगे, सांस लेने का भी रूल होता है, जब आप सांस लेते हैं तो आपको नाभि तक अपनी सांस को लेकर जाना है। टेक डीप ब्रेथ, लंबी गहरी सांसें लीजिए, नाभि तक लेकर जाइए और मुंह से बाहर निकाल, जब आप सांस लेते हैं तब आपकी आंखें जो हैं बंद हुए हुए भी आपके आईब्रोज के बीच में उनका फोकस पॉइंट होना चाहिए, इसी वजह से थोड़ी सी अपनी चिन को ऊपर की तरफ कीजिए, मतलब चेहरे को थोड़ा सा ऊपर की तरफ कीजिए तो आंखें अपने आप ऊपर की तरफ चली जाएंगी। लंबी गहरी सांसें लेते जाएं और छोड़ते जाएं, लंबी गहरी सांसें लेते जाएं और छोड़ते जाएं। Now invoke the blessings. आप जिस भी एनर्जी को मानते हैं, जिस भी डेटी को मानते हैं, जिस भी भगवान को मानते हैं,
उनका ध्यान करेंगे। इमेजिन करेंगे कि वो आपके सामने हैं और अपने हाथ से आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आप उनके सामने सरेंडर कर रहे हैं। जो आशीर्वाद है वो एक सफेद व्हाइट रे की तरह, लाइट की तरह आपके ऊपर आ रहा है। आपके क्राउन चक्रा से होते हुए वो आपकी बॉडी में एंटर कर रहा है, थर्ड आई चक्रा, थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा, सोलर प्लेक्सस, सेक्रल चक्रा, रूट चक्रा, एंड नाउ इट इज गोइंग डाउन डीप इनटू द मदर अर्थ। नाउ जो एनर्जीज आपके अंदर आ रही हैं वो एक्सपेंशन फॉर्म में है, वो आपकी पूरी बॉडी में फैल गई हैं। आपके चक्रास प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। आपके स्किन से ये एनर्जीज बाहर निकल रही हैं, आपके ऑरा को एनलाइटन कर रही हैं। नाउ इमेजिन योर ऑरा इज इंक्रीजिंग एंड इट इज इल्यूमिनेटेड बाय दिस वाइट डिवाइन लाइट। Enjoy this moment for a few seconds. Now, ye jo aura hai कंप्लीट मदर अर्थ को कवर कर रहा है। दिस पॉजिटिव लाइट एंड डिवाइन लाइट इज रीचिंग ईच एंड एवरी पर्सन ऑन दिस मदर अर्थ। नाउ यू आर द चैनल ऑफ दिस डिविनिटी। Slowly come back, धीरे धीरे self aware होंगे। आप जहां बैठे हैं उस चीज को महसूस कीजिए। Slowly, slowly अपने consciousness में वापस आइए। अपने दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे और अपने फेस पर लगाएंगे, अपनी आंखों पर लगाएंगे और एक प्यारी सी स्माइल के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। अब इसके बाद आपके जो दोनों हाथ हैं आप उनको अपने पास में लेकर आएंगे। रब करने के बाद जब आपने आईज ओपन कर ली है, यू शुड एक्सपीरियंस द एनर्जी व्हाट यू हैव क्रिएटेड इन योरसेल्फ, राइट। तो दोनों हाथों को थोड़ा सा दूर करेंगे, बहुत जरा सा, धीरे धीरे दूर करना, स्लोली स्लोली थोड़ा सा उसे दूर करेंगे। कैन यू फील द एक खिंचाव आपको दोनों हथेलियों के बीच में फील हो रहा है। दिस इज द एनर्जी व्हाट यू हैव क्रिएटेड जस्ट इन 5 मिनट्स। किसी को गर्म लगेगा, किसी को कुछ घूमता हुआ लगेगा, समथिंग और द अदर यू विल फील।
आप इसको ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट कीजिए, बिकॉज इफ यू आर द चैनल राइट नाउ, आप मदर अर्थ को ब्लेसिंग दे सकते हैं कि पीस एंड हार्मनी रहे, लव रहे, अबंडेंस रहे. जब भी आप ब्लेसिंग्स दें हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स बोलें. मदर अर्थ को ब्लेस कीजिए. अपने ईश्वर को, अपने डेटी को, या जिस भी एनर्जी को आपने इन्वोक किया था उन्हें थैंक यू करेंगे. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. कट कट कट. थैंक यू एवरीवन. आई होप सो आप लोगों ने थोड़ा एनर्जी महसूस किया होगा. Felt good. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. I have already joined the course. Thank you, most welcome. Shushma ji, aapne join kiya, and I can see that Kartikeyan ji and Namita ji have joined it. Thank you, most welcome. Most welcome. Ma'am, before 15 days, I think. इसकी एड आई थी ग्रुप में होम करा विद हलीम, तो उसी दिन मैंने फीस पे कर दी थी क्योंकि हमारी बैच में जब बात हुई थी करने के लिए तो आई वाज वेटिंग फॉर दिस. हाँ जी, नहीं बहुत लोग इसका वेट कर रहे थे मुझे पता है. आप ऋतु जी बोल रहे हैं ना? यस मैम. हाँ मैं क्योंकि मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ स्क्रीन पर, बट बाय योर वॉइस आई कुड रिकॉग्नाइज यू. यस मैम. थैंक यू. आपने भी लामा फेरा किया है? यस, और बहुत ही एकदम बढ़िया तरीके से मैम ने लर्न करवाया. एक एक सिंबल्स जैसे सारे चक्रास में, इवन एक एक सेल में, जैसे हम बोल सकते हैं कि इवन ओवरऑल बॉडी में वो हम अभी भी वो फील करते हैं. और सारे अट्यूटमेंट्स, यस सारे अट्यूटमेंट्स भी इतने पावरफुल थे. एक एक मोमेंट, एक एक मतलब एक एक सेकंड हमने फील किया था तब. तो इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस एंड जर्नी विद यू. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू सो मच राजीव सर. मैम मैं लेट हो गई. रामा फेरा आप कितना चार्ज करते हैं मैडम फॉर बोथ द लेवल? रामा फेरा सतीश जी, इट्स वेरी नॉर्मल, नो वरीज एट ऑल. तो जब लॉन्च होगा तो हम आपको शेयर कर लेंगे. ठीक है. सो किसी भी कोर्स के लिए एकेडमी में आपको कमर्शियल चिंता करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी. You enjoy the course. Our design is that we want people to enjoy it, not to stress it. Stress, if it comes, then what is the benefit of learning this vidya? And this is the focus. Always back of the mind that our income will be spent and what we have earned. This is always in mind. So what is the benefit of this vidya? From that, we have already been able to reduce the stress. Yes, absolutely. So the academy's biggest benefit. One of the basic funda, stress-free learning होनी चाहिए हर प्रकार से, be it education, be it memories or be it commercial, stress-free होना चाहिए. तब तो मजा है जिंदगी का, नहीं तो फिर stress तो वैसे ही था life में, एक stress और पाल लिया तो क्या मजा आया. Right? जी अनीता जी, आप कुछ पूछना चाहते? Thank you sir. Sir मुझे कुछ बोलना है. हाँ बड़ा, आप thank you sir. Thank you ma'am. हाँ जी बोले. Thank you very much. Very informative session tha. But I am not in good health today. I am very much tired. So I'll have to leave the session now. I am not able to sit now. I'm sorry. Thank you very much. God bless you. God bless you. Aap nimbu pani pee lijiye. Aapko acha lagega. Yeah, yeah. Today I am tired because of my hard work, you know. Today I am tired. Never mind. Even last session bhi maine kiya, to unko bhi bola, I am not in good health now. I am tired. बट आप उसके बाद भी इतना बैठे, उसके लिए थैंक यू है आपको. अंशु मैम एंड इतनी देर से सुना तो भी आई एम श्योर एवरीबडी मस्ट बी ऑल दोज हु आर प्रेजेंट हियर विल डेफिनेटली जॉइन. शी इज वन मैग्नेटिक personality
who can really, really go down into the cell level and help us with whatever knowledge she has. I should thank Rajiv sir and Poonam ma'am also for bringing us such wonderful teachers. And I have been with sir on this platform for so many courses now. I only lost the count. Thank you so much. This all will be provided to you. It's not only that limited. Actually, it's a handholding actually. मतलब हमारा academy it's never be left with the course. एक बार course किया आपको छोड़ दिया आप जानो आपका काम जाने it's never be like that. We once we hold the hand, it is up to you how long you want to continue with us. We never leave the hand. Academy का ये सिद्धांत है. Academy अपने participant को नहीं छोड़ता. आप क्यों पर कि आप journey कहाँ तक करना चाहते हैं कैसे करना चाहते हैं हम नहीं छोड़ेंगे. That's the guarantee from the academy. So be assured, be comfortable, and enjoy the course and enjoy the journey. Learn kare, maja kare, jindagi ko behtar banaye, badhiya banaye, apne liye, parivar ke liye, sab jagat ke liye, sab ke liye badhiya banaye. So Anshu ji, iske saath aap log kuch batana chahe to bataye, aur koi participant kuch share karna chahta hai to share kare. Aur nahi to aaj ki. Sir, tomorrow what time is the classes we are beginning? 9:30 starting. अच्छा इवनिंग को ही है राइट यही टाइम थैंक यू इट्स अ कन्वीनिएंट टाइम फॉर ऑल आई विल जस्ट पे द फीस व्हेन आई किया है एंड देन आई विल टॉक टू यू अबाउट द जॉइनिंग राइट थैंक यू थैंक यू वेलकम मैम थैंक यू वेरी मच गुड नाइट मैम थैंक यू गुड नाइट सो सब आप सब लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद प्रिया गुड नाइट ऑल ऑफ यू थैंक यू शुभ रात्रि आप सब लोगों को कल मिलेंगे फिर इसी समय थैंक यू नमस्कार थैंक यू गॉड ब्लेस